आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम हल्ला बोलेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर, जहां ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को उस मीटिंग में बुलाने की वजह से ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो में एक बयान देते हुए कहा है कि आखिर उन एमएलए और एमपी का वहां पर क्या जरूरत थी। हालांकि आपको बता दें कि शुभेंदु को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि यास की वजह से उनके क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था, जिस बात की रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने शुभेंदु से मांगी थी और वही रिपोर्ट ममता बनर्जी से भी मांगी गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी को किस बात का इतना बुरा लग गया, कहीं वो शुभेंदु से चुनाव हारने के गम से अब तक उभर नहीं पाई है, या उनकी इस तीखी तेवर का क्या है, मतलब क्या है, और क्यों प्रधानमंत्री को उन्होंने आधे घंटे वेट करवाया, उसके बावजूद भी महज 15 मिनट में रिपोर्ट सौंप करके वो मीटिंग छोड़कर चली गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री की बेइज्जती क्यों, क्या संविधान के अंदर या इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की बेइज्जती करना एक परंपरा से हो गई है। विपक्ष और पक्ष की बात अलग है, लेकिन हाँ, वो प्रधानमंत्री आपकी मदद के लिए पहुंचे हैं और आप उनकी इस प्रकार से बेइज्जती कर रहे हो। सवाल बड़ा है, आपको दिखाते हैं कि उसके बाद भाजपा ने इसका पलटवार किस प्रकार से किया और क्या नेताओं ने ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानातानी अब तक जारी है। शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता उनकी रिव्यू टीम में समय पर नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की सीट से लड़ी ममता शुभेंदु से हार गई थी। उन्होंने कहा कि यदि शुभेंदु अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं तो उनका जाना मुश्किल है। सूत्रों के अनुसार ममता और चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में होने के बावजूद बैठक के लिए 30 मिनट देरी से पहुंचे। देर रात केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया। ममता के ऐसे व्यवहार पर बीजेपी ने ममता पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दीदी बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात यास से कई लोगों को प्रभावित किया है और उनकी मदद करना समय की मांग है। दुख की बात है कि दीदी ने अहंकार को जन कल्याण के ऊपर रखा है। आज का संकीर्ण व्यवहार यही दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनैतिक मतभेद का रखना यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। ममता को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की बैठक से उनकी गैर मौजूदगी संविधान के चरित्र और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है। आज के सल्ला बोल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19।